गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू क्लास ऑफ ईयर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर लाइक साउंड. टुडे आर टॉपिक इज़ साउंड. क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने ईयर की एनाटॉमी पढ़ी कि उसके तीन पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल और इनर ईयर. इसके बाद हमने इन तीनों ईयर्स की स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा और साथ में फिजियोलॉजी में भी इन तीनों की स्ट्रक्चर्स की हमने फिजियोलॉजी भी अलग से भी पढ़ी थी और एनाटॉमी के साथ में भी हमने पढ़ी थी. और ईयर का मेन काम क्या होता है, साउंड का परसेप्शन, हियरिंग का परसेप्शन जो है वो हमारे को बताने का काम जो है, साउंड का परसेप्शन कह लो, हियर का परसेप्शन कह लीजिए, वो बताने का काम होता है ईयर का. अब सबसे पहले साउंड होता क्या है, तो साउंड कहाँ से आ रहा है, मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विच ऑक्सीलेट. जो एयर मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, उसके रिजल्ट से, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो साउंड होता है. एयर मॉलिक्यूल्स के मोशन से जब वो एयर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो उनके मोशंस का जो रिजल्ट है वो साउंड होता है. और जो साउंड वेव्स होती हैं वो जिस सोर्स से आ रही हैं उस सोर्स से सभी डायरेक्शंस में जाती हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि वो खाली स्ट्रेट जाएगी और सामने खड़े बंदे को सुनाई देगी, ऐसा नहीं है. वो सभी डायरेक्शंस में जाती है. जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे आसपास जो भी जितने भी लोग हैं, जो मेरे आसपास हैं बहुत दूर नहीं, उनको वो सबको सुनाई देगा वो साउंड, क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करती है सभी डायरेक्शंस में. अब ये जो वेव्स हैं इनको अगर हम करैक्टराइज करें तो दो तरह से करैक्टराइज कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड देयर इंटेंसिटी, के किस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स आ रही हैं, किस इंटेंसिटी की साउंड वेव्स आ रही हैं. अब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं जबकि इंटेंसिटी को हम डेसिबल में. आपने सुना है ना कुछ चीज़ों के लिए कि इतने डेसिबल का साउंड होना चाहिए जो कि हम सुन सकते हैं और इससे ज़्यादा का साउंड हम सुन नहीं सकते. तो ये जो डेसिबल है वो साउंड की इंटेंसिटी होती है और फ्रीक्वेंसी जो है उसको अपन हर्ट्ज में मेज़र करते हैं. हर्ट्ज मतलब साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स चल रही हैं वो फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होएगी साउंड की पिच उतनी ही ज़्यादा होएगी. हाई पिच के साउंड जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जबकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड, अगर साउंड वेव्स का ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. और अगर साउंड वेव्स की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा एम्पलीफाई होकर के आ रहा होता है, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. तो हम साउंड को फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ में, या वेव्स को, साउंड वेव्स को हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ में कैटेगराइज्ड करते हैं. तो ये तो हुआ साउंड के बारे में. अब जो ये साउंड हमारे कानों तक पहुँच रहा है, साउंड का कानों तक पहुँचना, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कंडक्शन. साउंड कंडक्शन टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो साउंड कंडक्शन क्या है, आप उसको सुन लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए. जब साउंड एनर्जी न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और उसको ब्रेन इंटरप्रेट करता है साउंड परसेप्शन के रूप में, तो इसी को अपन साउंड ट्रांसडक्शन कहते हैं. साउंड एनर्जी न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है और उस को हमारा ब्रेन एज अ साउंड परसेप्शन इंटरप्रेट कर रहा है कि भाई ये कोई साउंड आई है, तो उसे हम साउंड ट्रांसडक्शन कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू अ न्यूरल सिग्नल दैट इज इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज साउंड परसेप्शन इज नोन एज साउंड ट्रांसडक्शन. ये साउंड ट्रांसडक्शन है जो हम आगे भी अपनी इन स्लाइड्स में देखेंगे इसके बारे में, कि ये साउंड कैसे ट्रैवल हो रहा है, कर रहा है, ये सब चीज़ें हम आगे वाली स्लाइड में अपनी प्रेजेंटेशन में देखेंगे. तो अब देखिए नेक्स्ट में ऑडिटरी पाथवे, क्योंकि साउंड आ रहा है जा रहा है, मतलब कोई रास्ता है जहाँ से ये आ रहा है जा रहा है, ब्रेन तक पहुँच रहा है कानों से लेकर, या बाहर के एनवायरमेंट से आपके कान, कान से आपके ब्रेन में, मतलब पूरे एक साउंड का पाथवे चल रहा है. तो क्या पाथवे है, कौन सा पाथवे है, तो ये वो पाथवे है जिसमें साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं ऑडिटरी टनल से. एक गुफा है आपके कान की, एक गुफा, उस कान की गुफा में से होते हुए जब साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही होती है तो उसको आप ऑडिटरी पाथवे कहते हैं.
जिसका क्या काम है कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक साउंड वेव्स को लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये अपन ने अभी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। दूसरा, उस रास्ते के अंदर ऑसिकल्स पाए जाते हैं जो एम्पलीफाई कर देते हैं साउंड को, 22 गुना जितना साउंड आया उसे 22 गुना ज़्यादा उसने एम्पलीफाई कर दिया है। तीसरा, टेंसर टिम्पेनाई मसल, ऑसिकल्स और ये मसल्स दोनों हमने मिडल ईयर में पढ़े थे, मिडल ईयर का पार्ट था। जबकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ी थी वो किसका पार्ट था, इनर ईयर का पार्ट था। तो ऑसिकल्स ने साउंड वेव्स को 22 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया। टेंसर टिम्पेनाई मसल जो इन ऑसिकल से जुड़ी हुई है, ये वाइब्रेशन को इनिशिएट करती हैं, क्योंकि अभी साउंड आया है, वाइब्रेशन जनरेट होएंगी, हिलना शुरू करेगा। और ये कितनी वाइब्रेशन जनरेट होगी वो डिपेंड करती है कि किस फ्रीक्वेंसी का साउंड आपके पास आया है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि अपन साउंड को कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर इंटेंसिटी एंड देयर फ्रीक्वेंसी, और टिम्पैनी मेम्ब्रेन जो थी वो इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करती है, और टेंसर टिम्पेनाई मसल जो है वो वाइब्रेशंस को इनिशिएट करती है, पर वो डिपेंड करता है किस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स आई हैं। और जब स्टेपिस का फुट मूव करना स्टार्ट करता है इनवर्ड, ओवल विंडो के अंदर की तरफ, ओवल विंडो से अंदर की तरफ जब वो मूव करना स्टार्ट करता है, तो जो राउंड विंडो है वो बल्ज आउट हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। क्योंकि जो कोक्लिया है उसके दोनों साइड बोनी वॉल्स बनी हुई हैं, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। भाई देखिए, स्टेपिस दिखाई गई है, इसको आप अच्छे से देखिए, स्टेपिस दिखाई गई है, नीचे राउंड विंडो दिखाई गई है, स्टेपिस के पास ओवल विंडो दिखाई गई है ना। तो ये लाइन यही बोल रही है कि जब स्टेपिस का फुट जो है वो अंदर ओवल विंडो से अगेंस्ट जब अंदर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो राउंड विंडो जो है वो बल्ज आउट हो जाती है, बाहर की तरफ निकलती है, क्योंकि कोक्लिया के चारों तरफ जो है वो बोनी वॉल्स पाई जा रही होती हैं। स्टेपिस के वाइब्रेशन से ओवल विंडो स्टेपिस और ओवल विंडो के वाइब्रेशन से जो है क्या हो जाता है कि जो पेरिलिम्फ फ्लूड है, हमने पढ़ा दो तरह के फ्लूड थे, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। पैरालिम्फ कहाँ है, स्कैला वेस्टिब्यूली के अंदर है। स्कैला वेस्टिब्यूली के अंदर पाए जाने वाला पैरालिम्फ जो है वो अपनी जगह से हिलता है, हिल रहा है मतलब मूवमेंट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्कैला वेस्टिब्यूली के अंदर जो पैरालिम्फ भरा हुआ है वो अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाता है जब स्टेपिस और ओवल विंडो वाइब्रेट कर रही होती हैं उस समय पर। तो ये हमने ऑडिटरी पाथवे पढ़ा, ऑडिटरी पाथवे के अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम पढ़े। क्या स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से नाम अभी तक आए हैं हमारे पास, बहुत बहुत सारे नाम आ गए कि कौन कैसे क्या कर रहा है इसके अंदर। स्कैला वेस्टिबुलाई का रोल है, ओवल विंडो का रोल है, इसके अलावा आपकी ये जो राउंड विंडो है, ये जो बोनी वॉल्स हैं, कोक्लिया है, इन सब का रोल हमने पढ़ा ऑडिटरी पाथवे के अंदर। तो ये ऑडिटरी पाथवे इस तरह से अपना रोल कर रहा था कि जैसे ही ये जो ऑडिटरी टनल है इसके अंदर साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी, साउंड वेव्स का जो चैनल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से। ऑसिकल्स 22 गुना साउंड को बढ़ा देते हैं। टेंसर टिम्पेनाई मसल जो है वो वाइब्रेशन को शुरू करती है, और जो स्टेपिस का फुट है जैसे ही वो ओवल विंडो के अगेंस्ट इनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो राउंड विंडो जो है वो बाहर निकल जाएगी, और क्योंकि जो कोकलिया है उसके चारों तरफ बोनी वॉल्स पाई जाती हैं उनकी साइड्स पे, और स्टेपिस और ओवल विंडो के वाइब्रेशन की वजह से स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर पाए जाने वाला पेरिलिम्फ फ्लूड जो है वो अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाता है। ये हमने पढ़ा इस ऑडिटरी पाथवे के अंदर, पर अभी हम और भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो स्कैला वेस्टिबुलाई पढ़ा है, आगे स्कैला टिम्पेनाई वगैरह के भी रोल हैं वो हम देखते हैं। कि जैसे ही स्कैला वेस्टिबुलाई का पेरिलिम्फ डिसप्लेस हुआ अपनी जगह से, तो वाइब्रेशन जो स्कैला टिम्पेनाई में चला जाएगा, वेस्टिब्यूली से वाइब्रेशन, ये वेस्टिब्यूली में तो उसने हिला दिया पेरिलिम्फ को, अब स्कैला टिम्पेनाई में। और जैसे ही साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, प्रेशर वेव्स जो है वो पेरिलिम्फ से ट्रांसमिट होकर के वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, जो कि कहां से आए थे, अभी तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आए थे ना, जिससे उनकी साउंड की इंटेंसिटी बढ़ी थी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए वो जो है ऑसिकल से होते हुए, ओवल विंडो से होते हुए, कोक्लिया वगैरह के अंदर गए थे, और इनके स्टेपिस और ओवल विंडो के वाइब्रेशन से पेरिलिम्फ हिला था, और
स्केला वेस्टिबुलर के पैरेलिम फिला था, जिससे कि स्केला टिम्पेनाई में वाइब्रेशन शुरू हो गए थे। और जैसे ही साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, जो पैरेलिम्फ के प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होकर के वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन में चले जाते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू, और साउंड वेव्स जो है वो ओवल विंडो में एंटर होते हैं, जिससे कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो बेंड हो सके राउंड विंडो के डायरेक्शंस में, राउंड विंडो के डायरेक्शन में बेसिलर मूवमेंट विंड जो बेसिलर मेम्ब्रेन थी वो बेंड हो सके। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बेसिलर मेम्ब्रेन कैसे अपना रोल कर रही थी, क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन जब हिल रही होती है तो उसे हेयर सेल्स जो है वो मूवमेंट कर रही होती है। चीज़ हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो ये जो पेरिलिम्फ का मूवमेंट था वो ट्रैवल होता हुआ कोक्लिया के बेस में चला गया, जहाँ पर उसने राउंड विंडो को डिस्प्लेस कर दिया। पेरिलिम्फ का मूवमेंट ट्रैवल होता हुआ कोक्लिया के बेस में गया, जहाँ उसने राउंड विंडो को डिस्प्लेस किया, जिससे कि कोक्लियर डक्ट भी डिस्प्लेस हो गई और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है वो हिल गई। वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को होल्ड करने का काम कल हमने पढ़ा था कि मोड्यूलस कर रहा था, पर जब ये चीज़ें हिली, कोक्लियर डक्ट डिस्प्लेस हुई अपनी जगह से, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिससे कि शेयरिंग फोर्स लगता है जो कि स्टीरियोसीलिया को मूव और बेंड करने का काम करता है। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, पिछली क्लास में चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने एंडोलिम्फ वगैरह चीज़ें पढ़ी थी, पैरेलिम्फ और जैसी चीज़ें वहाँ पर आई नहीं थी, स्केला वेस्टिबुला स्केला टिम्पेनाई का नाम नहीं आया था, इसलिए हमारे को इसको साउंड के साथ में वापस से पढ़ना पड़ा है, क्योंकि पूरी मैकेनिज्म हमारे को थोड़ी सी और डिटेल में पढ़नी थी, साउंड की पूरी मैकेनिज्म। तो जैसे ये चीज़ें हिली, कौन सी चीज़ें हिली, कि वेस्टिबुले से टिम्पेनाई हिला, साउंड फ्रिक्वेंसी बढ़ते पैरेलिम्फ का जो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट हो गई वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन में बेसिलर मेम्ब्रेन के द्वारा, साउंड वेव्स ओवल विंडो में घुसी जिससे कि बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड हो गई राउंड विंडो के डायरेक्शन में, और पैरेलिम्फ का जो मूवमेंट है वो ट्रैवल करता हुआ कोक्लिया के बेस में चला गया, जहाँ से कि राउंड विंडो भी जो है वो डिस्प्लेस हो गई, जिससे कि कोक्लियर डक डिस्प्लेस हो गई और इसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है वो मूव कर गई, और एक शेयरिंग फोर्स क्रिएट हुआ जिसको अपन जिसकी वजह से जो आपका स्टीरियोसीलिया है वो क्या करने लग जाता है, उसमें बेंडिंग और मूविंग जो है वो मतलब कहने का मतलब है मोशन या मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो हिलने लग जाते हैं, वो एक साइड में पर्टिकुलर साइड में झुकना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो आयरन चैनल्स है, क्योंकि जैसे स्टीरियोसीलिया बेंड होंगे, कल हमने पढ़ा था कि वो आयरन चैनल्स खुल जाएंगे और उनके ऊपर एंडोलिम्फ गिरेगा, एंडोलिम्फ के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन्स थे। भाई आयरन चैनल्स खुला, खुलते ही क्या हुआ कि एंडोलिम्फ आकर के हेयर सेल्स के ऊपर गिरता है, जिसमें पोटेशियम आयन्स पाए जाते हैं, वो डीपोलराइज कर देते हैं हेयर सेल्स को, जिससे कि ग्लूटामेट रिलीज होता है और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो स्टिम्यूलेट्स हो जाते हैं। ये लाइन हमने कल वाले मैकेनिज्म में नहीं पढ़ी थी, इसलिए हमारे को इसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है कि ग्लूटामेट रिलीज होगा जिससे कि सेंसरी न्यूरॉन स्टिम्यूलेट्स हो जाएंगे और स्टीरियोसीलिया की और ज़्यादा बेंडिंग होएगी, और जिससे कि ये जो ऑडिटरी पाथवे प्रोड्यूस हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑडिटरी पाथवे की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो नर्व इम्पल्सेस है कोक्लियर नर्व के अंदर, वो ट्रैवल करके ब्रेन स्टेम में जाएंगे और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑडिटरी एरियाज के अंदर जाएंगे, जहाँ पर जाने के बाद इनको इंटरप्रेटेड किया जाएगा कि ये साउंड है और कौन सा साउंड है, कैसा साउंड है, कहाँ से आया है, ये चीज़ वहाँ ब्रेन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑडिटरी एरियाज के अंदर इंटरप्रेट की जाएगी। तो ये हुआ आपका ऑडिटरी पाथवे। अब कैसे ये वाइब्रेशन गई, जो आप इसमें देख सकते हो कि भाई अगर, क्योंकि हमने कहा ना फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है वाइब्रेशंस, तो कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी आई है उस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि साउंड वेव्स को अपन ने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बेस पर कैटेगराइज किया था, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेज़र की जाती है, और अगर हाई पिच की साउंड है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होएगी। तो यहाँ दिखाया गया है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वो किस तरह से ट्रैवल कर रही है, मीडियम फ्रीक्वेंसी आई है तो वो कैसे ट्रैवल कर रही है, और लो फ्रीक्वेंसी अगर आ रही है तो वो कैसे ट्रैवल कर रही है, वो इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो ये जो टॉपिक है हमने, साउंड कैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, ये चीज़ हमने पढ़ी।
साउंड ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको बता दी कि साउंड एनर्जी जब न्यूरल सिग्नल के अंदर जा रही, क्योंकि हमने बताया ना ब्रेन का रोल है, सेरेब्रल पार्ट का रोल है, तो ये साउंड एनर्जी जब न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के ब्रेन में इंटरप्रेट होती है साउंड परसेप्शन के रूप में, तो इसको अपन साउंड ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आएगा अपना सेंसरी कोडिंग, कि अब हमारा ब्रेन कैसे कोड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला साउंड की फ्रिक्वेंसीज़ के बेसिस पर हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है कि कैसा साउंड आया, वो साउंड जो है वो लाउड है या सॉफ्ट साउंड है, हाई पिच्ड साउंड है या लो पिच्ड साउंड है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स का रोल होता है, जैसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई का रोल होता है यहाँ पे, तब कब होता है जब साउंड लाउड या सॉफ्ट आया, ये चीज़ अगर डिटेक्ट करनी है, डिस्क्रिमिनेट करनी है, तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई इसको डिस्क्रिमिनेट करता है। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी है ये वाली चीज़ कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई का काम क्या है, कि वो डिस्क्रिमिनेट करता है साउंड को इंटेंसिटीज़ के बेसिस पर। अभी तो हमने ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ी, दूसरा हमने बोला ना कि इंटेंसिटी के बेसिस पर भी साउंड को कैरेक्टराइज या करेक्टराइज किया जा रहा होता है, तो इंटेंसिटीज़ के बेसिस पर साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने का काम ऑर्गन ऑफ कॉटाई करता है। और ये ऐसे ही इसी तरह से बेसिलर मेम्ब्रेन का रोल होता है, वो डिफरेंशिएट करता है हाई और लो पिच्ड साउंड को, बेसिलर मेम्ब्रेन हाई और लो पिच्ड साउंड को डिफरेंशिएट करता है, जबकि ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो सॉफ्ट और लाउड साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने का काम कर रहा होता है। अब इन चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि ये कैसे चल रहा है, पूरा मैकेनिज्म क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, तो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। इससे पहले आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना ईमेल के थ्रू आप मुझको मेल कर दीजिए क्वेश्चंस को, या फिर आप अपने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।